आज का टॉपिक है कि ये जो बेसिक जो सिंबल्स होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उसको हम किस चीज से बोलते हैं, किस तरह उसको हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। क्योंकि अगर हम ये बेसिक बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज को क्या बोलते हैं और आप नहीं समझ पाओगे इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एक रेफरेंस शीट मैंने बनाया, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ये सब बहुत कुछ इसमें पाइथन के बारे में दिया, सब इम्पॉर्टेंट है, बट अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नीचे जाते हैं देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सिंबल्स के बारे में जानते हैं कि किस सिंबल्स को हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन, सबको पता है प्लस का साइन को हम एडिशन बोलते हैं, ये सबको पता है। दूसरा दिया हुआ सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन को, ये होता है सब्ट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन, मतलब स्टार जो होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसे हमारा मल्टीप्लाई होता है। चौथा ये होता है हमारे डिवीजन का साइन, ठीक, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। पांचवा होता है हमारा एक्सपोनेंट, ये डबल स्टार होता है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको हम टू द पावर, जैसे कि टू टू द पावर टू कितना होता है, फोर होता है, दो का पावर दो चार होता है, उसी तरह ये एक्सपोनेंट होता है। उसके बाद होता है मॉड्यूलस, ये होता है परसेंट होता है, इसको हम प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये डबल स्लैश, इसको हम फ्लोर डिवीजन के नाम से जानते हैं, डबल स्लैश ये जो है इसको हम फ्लोर डिवीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है इक्वल, देखो हम मैथ्स में क्या करते हैं, वन इक्वल्स टू वन ये हो जाता है बराबर, तो कोडिंग में ये नहीं होता, डबल इक्वल्स टू को हम इक्वल्स बोलते हैं, ठीक ना। प्रोग्रामिंग में इक्वल्स को हम डबल इक्वल से डिनोट करते हैं, और ये जो डिफरेंट और नॉट इक्वल्स टू, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू जो होता है इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है, ये हमारा स्मॉलर देन का साइन होता है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये जो हमारा साइन है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। उसके बाद हमारा आता है स्मॉलर और इक्वल्स, मतलब कि ये होता है स्मॉलर और इक्वल, छोटा और बराबर। उसके बाद है लॉजिकल एंड, प्रोग्रामिंग में अगर हम एंड लिखे हुए हैं पाइथन में तो इसका मतलब होता है लॉजिकल एंड, और अगर सिर्फ और लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लॉजिकल और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लॉजिकल नॉट। ये सबको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट अभी बस जान लेते कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद पाइथन में ये हैश, इसको हम कमेंट के लिए यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और ये जो हमारा क्वोट है, तीन क्वोट इधर और तीन क्वोट इधर, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। उसके बाद आता ये, इसको हम बोलते हैं डैश नहीं तो हाइफन, इसको क्या बोलते हैं फिर से बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं डैश नहीं तो हाइफन। उसके बाद ये आता है अंडरस्कोर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। उसके बाद ये आता है जिसको हम डिवाइड बोले थे, उसको हम नॉर्मली हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और जो एकदम उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं बैक स्लैश। उसके बाद ये जिस तरह यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट होता है उसको नॉर्मली हम हैश के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो हमारा ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, नॉर्मल जो हमारा ब्रैकेट होता है इसको हम पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं, ये तो होता है हमारा पैरेंथेसिस। उसके बाद ये आता है, ये हमारा क्या, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, और ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो होता है इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। उसके बाद ये जो हम बोले थे, ये जो सिंगल दिया हुआ इसको हम डबल क्वोट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डबल क्वोट बोलते हैं, और ये हम इसको हम सिंगल क्वोट बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, इसको हम सिंगल क्वोट बोलते हैं। तो और इसके बाद क्या हमारा है, नीचे में इसको हम कॉमा बोलते हैं, सबको पता है, इसको हम एंड होता है, इसको एम परसेंट बोलते हैं, ठीक। ये जो डबल डॉट है इसको हम कॉलोन बोलते हैं, इसको हम कॉलोन बोलते हैं, और ऊपर में डॉट नीचे में कॉमा होता है, ये कुछ गलत टाइप हो गया, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कोलन। और लास्ट में ये जो वर्टिकल बार, इसको हम पाइप नहीं तो वर्टिकल बार भी बोलते हैं। तो ये हमारा होता है बेसिक्स, जिसको हर एक बिजनेस को जानना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम कोडिंग को समझ नहीं पाएंगे। और ये जो शीट बनाया हुआ है देख लो,
इसमें पाइथन के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, स्टार्टिंग से बेसिक दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीट सीट है पाइथन का और ये बहुत अच्छा है, इसको डाउनलोड कर लेना। और नीचे वाला ये जो है इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर्स, इस सेक्शन को अच्छा से एक बार समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है।